प्रदेश का किसान आज परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक खेती का रुख कर रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर अब किसान आधुनिक खेती की तरह बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते उसकी आय अब दोगुनी होती जा रही है। किसान धान और गेहूं की फसल को छोड़ रहा है और उसका रुझान सब्जी और फलों की खेती की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जहां परंपरागत खेती में किसान को 30 से 40 हज़ार प्रतिवर्ष आमदनी होती थी, अब 1 से 1.5 लाख रुपए तक वो कमा रहा है। वहीं आपको बता दें कि रोहतक के प्रगतिशील किसान मोहित आज परंपरागत खेती छोड़कर केले की खेती वो कर रहे हैं और आज लाखों का मुनाफा भी कमा रहे हैं। वहीं प्रगतिशील किसान मोहित ने अन्य किसानों से भी अधिक मुनाफे के लिए केले की खेती करने की अपील की है। हमारी ये खास रिपोर्ट आप देखिए। सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर अब किसान आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते उसकी आय अब दोगुनी होती जा रही है। वहीं रोहतक के बैंसी गांव के प्रगतिशील किसान मोहित आज परंपरागत खेती को छोड़कर केले की खेती कर रहे हैं और लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। हमने शुरू में धान और गेहूं की खेती करते थे, तो हमने एक बारी भलोट गेम हमारी मीटिंग हुई थी, भलोट गांव का कृषण मिला था और वहां जाके हमने देखा कि वहां पर केले के बाग लगे हुए थे। वहां से हमने ला के केले का बाग लगाया और इसमें हमारे को अच्छी पैदावार और अच्छी आमदनी मिलने लगी। इसमें कम से कम 1 एकड़ में 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आमदन हमने ली है। 3 एकड़ में केले की खेती होती है, उनकी फसल रोहतक में जाते ही बिक जाती है, जिसके चलते उनको फसल की बिक्री की कोई फिक्र नहीं होती। 3 साल पहले ही उन्होंने गांव में केले की फसल लगाई। मोहित का कहना है कि केले की फसल किसानों को अच्छा फायदा पहुंचा सकती है। परंपरा की खेती में आमदन नहीं होती थी, उसमें एक आमदन कम थी धान और गेहूं में। उसमें खर्चे हर साल यूरिया के, डीएपी के, स्प्रे के बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी उसमें कम है। जहां परंपरागत खेती में किसान को 30 से 40 हज़ार प्रतिवर्ष आमदनी होती थी, अब 1 से 1.5 लाख रुपए तक मोहित कमा रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। ये वैरायटी है हमारे पास, सब्जी बनती है इस केले की, ये वैरायटी सब्जी वाली, केले वाली वैरायटी है। इसकी सब्जी बनती है, इसके चिप्स बनते हैं, इसके पकोड़े बनते हैं, ये केला है। ये बागवानी विभाग की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार द्वारा सब्जियों और फलों की खेती करने वाले किसानों को अच्छी सब्सिडी भी दी जा रही है और उनको आधुनिक तरीके से लगाने और उसके रखरखाव के लिए वैज्ञानिक तरीके भी बताए जा रहे हैं। किसानों को इन योजनाओं का भरपूर लाभ भी मिल रहा है। मेरा किसान भाइयों, आमतौर पर वैसे हमें पता है ये हमारा दक्षिण भारत की एक मुख्य फसल है, वहीं पे होती है इसकी खेती। लेकिन अब ये खेती हमारे इधर उत्तर भारत में, जैसे हरियाणा के अंदर भी किसान इसकी काश्त करना शुरू कर दिया है। और जैसे रोहतक की बात करूँ मैं, रोहतक में साथ लगता जैसे सोनीपत जिला है, यहाँ पर किसान इसकी खेती करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा केले से किसान इनकम ले रहे हैं प्रति वर्ष, क्योंकि केला वैसे तो कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन यदि इसका यदि पैदावार की बात करें, पौधे के जीवन की बात करें, तो 1 साल का होता है केले का पौधा। 1 साल में 1 पौधे में फल देना होता है, उसके बाद उस पौधे को उखाड़ देते हैं, फिर नीचे से दूसरा पौधा उग जाता है, फोटा उगर जाता है जो शक्कर से चलता है, उसके बाद फिर वो फल देता है। ये अमूमन जैसे प्रति एकड़ में पौधों की बात करूं तो 7x7 फिट पे ये एक आइडियल स्पेसिंग होती है पौधा रोपण की। पौधा आमतौर पर जैसे अप्रैल मई या अगस्त से नवंबर किसी भी समय जैसे इसकी रोपाई की जा सकती है। प्रति जो पेड़ है 25 से 40 किलो तक पैदावार देता है किसान को। और अमूमन केले के यदि हम भाव करें, दोनों तरीके से केला बाज़ार में दिखता है, कच्चे रूप में भी और इसको किसान पका के भी केले को मार्केट में बेच सकता है। किसान धान और गेहूं की फसल को छोड़कर अब सब्जी
और फलों की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। परंपरागत खेती में किसानों को इतना फायदा नहीं होता था और आज आधुनिक खेती से किसान लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय की रिपोर्ट।